तो फ्रेंड इस वीडियो में जो नए बच्चे आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग की जो तीन वीडियो हैं तीनों में, तीनों में के जबड़े टूटे हुए हैं वीडियो थोड़ी छोटी चोट छोटी थी इसलिए मैंने जो है तीनों को एक साथ डाल दी जो स्टार्टिंग का केस है ये तो छोटा सा पिल्ला ही मिला था इसका तो बेचारे का जो है जबड़ा टूट गया था एक्सीडेंट से तो ये तो हमारे भैया के पास ही है तो अब ये बड़ा हो चुका है तो इसको इसके पास एक घर भी एक तरीके से अडोप्ट किया हुआ है पालतू पिल्ला है ये तो मतलब तो इसकी तो कोई टेंशन नहीं है इसकी तो ज़िंदगी बेचारे की कट जाएगी खाना पीना मिल जाता है टाइम पे देखभाल इसकी हो जाती है घर में रहता है जो दूसरे वाला डोग है ये सड़क पे ही है गली के बाहर रहता है घर के बाहर एक भैया के तो वहीं पे इसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये तो बेचारा सड़क पे रहेगा जबड़ा टूट गया है इसको तो सारी ज़िंदगी प्रॉब्लम रहनी रहने वाली है अगर ये हमारे पास रेस्क्यू वगैरह किया होता हमारे पास मतलब होता फार्म वगैरह पे तो ज़िंदगी मतलब आसान हो जाती पर अभी कोई इस तरह की सुविधा नहीं है जिससे मैं इसको अपने पास रख सकूँ तो इसलिए जो है सड़क पर या बेचारे बस वहीं पर रोटी वोटी वो भैया दे देते हैं तो ये अभी केस आया था तो मैंने सोचा ला उसके साथ ही वीडियो बना देता हूँ जो अगले वाली वीडियो है ये ब्लैक कलर का है इसकी कमर पे वाउंड है पर इसका भी जबड़ा टूटा हुआ है इसका भी कभी एक्सीडेंट हुआ होगा इसका भी जबड़ा टूटा हुआ है अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे जो ब्लैक वाली है फीमेल डोग है इसकी भी जीप सारी बाहर निकली रहती है नीचे का जबड़ा बिल्कुल टूटा हुआ है खाने पीने में इसको बहुत समस्या होती है जैसे देखो मैंने दवाई दी है ना उसको तो बर्फी को उठाने में कितनी समस्या हो रही है इसकी तो बात कहने की यह है फ्रेंड अब जो ये बीच वाला डॉग है रेड कलर का दूसरी वाली वीडियो जो है इसको किसी इंसान ने डंडा मार के इसका जबड़ा तोड़ दिया है अब देखो कितनी भयानक कि इसको चोट लगी होगी कितना दर्द से चिल्लाया होगा और पूरी जिंदगी इसकी तो बर्बाद हो गई अब यह खा पी भी नहीं रहा है बड़ी मुश्किल से पास में आता है इंजेक्शन वगैरह उसको देने पड़ रहे हैं दवाई वगैरह है, नहीं ले रहा है क्योंकि खाया नहीं जा रहा है अब पता नहीं इसको पंद्रह दिन में बीस दिन में जब पेट में आग लगेगी भूख लगेगी तब जाके इसकी आदत बनेगी खाने पीने की तो कितनी मुश्किल होने वाली है इसके लिए ज़िंदगी अब देखो आप जैसे ब्लैक वाली है ये अब जब इसको भी पेट में भूख लगी होगी क्योंकि सड़क पर रही है तो मुझे पहले कभी मिली नहीं थी जब उसका जबड़ा वगैरह टूटा होगा अब देखो उसने बेचारी ने कैसे कैसे रिकवरी की होगी कैसे कैसे अपना वो समय काटा होगा अब इंसान तो चोट वगैरह मार देता है अब क्या तो उसका एक्सीडेंट हुआ होगा ब्लैक वाली का या फिर एक्सीडेंट वो सॉरी किसी ने मारा होगा उसको भगा देते हैं दूध बहुत से इंसान ये नहीं सोचते कि यार ये बेचारे सिर्फ पेट पेट के लिए घूमते हैं इनको सिर्फ रोटी चाहिए रूखी सूखी जैसी मिल जाए इनके अलावा इसके अलावा इसको कुछ और नहीं चाहिए ना किसी का कपड़ा चाहिए ना किसी का मकान चाहिए ना किसी के जगह चाहिए बेचारे अब जो है यार जब सर्दी गर्मी लगेगी तो इनको थोड़ा छावा भी चाहिए होता है अब इसमें इनकी क्या गलती है कि अगर किसी के घर के बाहर बैठ जाएँ छज्जे के बाहर बैठ जाएँ तो बारिश में अगर कहीं से इधर उधर को बैठ जाएँ तब भी बारिश में मैं देखता हूँ लोग भगा देते हैं डंडा मार के थोड़ी सी भी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है इंसान मतलब बस ये सोचता है कि बस तू ही सबसे बड़ा है और जो है और सब तो बस दुनिया में जितने भी जानवर वगैरह हैं सब फालतू हैं बेकार हैं वो ये नहीं समझता कि हर किसी का इस प्रकृति में जो भगवान ने इनको बनाया है कुछ ना कुछ रोल है तो खैर मेरा तो बस यही कहना है वीडियो फिर लंबी हो जाएगी तो अगर आपको कोई इस तरह का केस मिलता है प्लीज़ उसकी हेल्प करें उसको यार मतलब ट्रीटमेंट तो चलो हो ही जाएगा उसका लाइफ टाइम तक तो उसका ध्यान रखें अगर आपके आस पास है उसको खाने पीने को दे दिया अगर बेचारे को थोड़ा दूध वगैरह दे दिया कुछ स्पेशल खाना दे दिया कभी कभी पाँच दस रुपये यार जरूर खर्च हो जाते हैं तो उसको जो है मतलब इतना एहसास नहीं होगा सबका अपने दुख का वरना उसको जो है जबड़ा वगैरह टूटा हुआ होता है खाने पीने में बहुत समस्या होती है इधर उधर से तो लिक्विड वगैरह तो ले लेता है वो जीप से चाट लेता है मतलब तो अब जो तीसरी वीडियो आप देख रहे हैं चौथी वीडियो ये छोटी वीडियो थी इसलिए इसके साथ में ये भी डाल दी कि इन्फॉर्मेशन दे देंगे ट्रीटमेंट कैसे करना है अब देखो जैसे फीमेल डोग है ये भी इसकी कमर पे घाव हो गया है होल सा हो गया अंदर मैगेट्स वगैरह हैं तो डोगी अपने जख्म को चाट रहा है पर वो जीव अंदर नहीं जा पा रही है आ, बाहर से तो सफाई कर देता है वो बैक्टीरिया की तो अगर कोई आपको इस तरह का केस मिलता है उसको ट्रीट करना बहुत ही सिंपल है इस तरह का केस सिर्फ़ और सिर्फ आइवर मैक्टिन टेन एम की टैबलेट से ठीक हो जाता है अगर आपको कोई इस तरह का केस मिले तो आइवर मैक्टिन की टैबलेट आती है टेन एम जी ट्वेल्व एम जी सिक्स एम जी ह्यूमैन वाली हो चाहे डॉग वाली जो भी आपको आसानी से आपके पास मिल जाए वो ले लें और इस तरह के केस को जो बड़ा फुल साइज़ का डोगी होगा ना चार से पाँच टैबलेट हम दे सकते हैं जैसे भाई एक अब दे दी दो चार दिन बाद फिर दे दी उसके पाँच सात दिन बाद फिर दे दी एक टैबलेट का बॉडी में हफ्ते से दस दिन तक असर रहता है तो इसका फायदा यही है जैसे अगर हमने आज उसको टैबलेट दे दी पंद्रह बीस मिनट के अंदर सारे कीड़े मर जाते हैं और दोबारा जो है उसको एक हफ्ते तक उसका बॉडी में असर रहेगा तो दोबारा तो चांस ही नहीं है तो इसलिए मैं सबको ये टैबलेट बताता हूँ क्योंकि तो इस्टे डोग को आप हर बारह घंटे में टैबलेट नहीं दे पाओगे और जो मेडिसिन होती हैं एंटीबायोटिक वगैरह उनसे कीड़े भी नहीं मरते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया ही मरते हैं बड़े कीड़े उनसे टैबलेट से नहीं मरते हैं उसके लिए फिर आपको कुछ अलग से डालना पड़ेगा उसके ऊपर जख्म के ऊपर तो उसमें बहुत बड़ी मुश्किल रहती है स्टेडोक के ट्रीटमेंट करने में सीधी सा फंडा है आप ये आयोर की टैबलेट लें बॉडी में एक हफ्ते तक असर रहता है तो दोबारा उसको बैक्टेरियर बनने का चांस ही नहीं जैसे आपको ध्यान आया कि भाई दो चार दिन हो गए उसको फिर दे दी दो से तीसरे दिन भी दे सकते हो तो आप टैबलेट पर यह कि बीस से पच्चीस दिन में चार से पाँच टैबलेट देनी है इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देनी है मैंने आपको बता दिया एक हफ्ते तक बॉडी में असर रहता है तो फ्रेंड अगर आपको कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सअप इंस्टा फेसबुक के मैसेंजर पे मैं आपको वहाँ से गाइड कर दूँगा फोटो वीडियो भी सेंड कर सकते हैं आपने दवाई का फोटो मैंने लगा दिया है आप इसको इस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं दवाई देने का वो सिंपल सा तरीका है लड्डू बर्फी ले लें उसके अंदर टाइप डाल के डो के सामने रखते हैं उसको खा लेगा बस प्लीज इनकी हेल्प करें बस लास्ट में यही बोलना चाहूंगा आपसे दवाइयों के फोटो लगा दिए हैं इनके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है पेन किलर वगैरह के भी जो आपको लगे डोगी के हिसाब से उसको